यहाँ पे आ सकते हो, ये है स्नो सिटी। मैं गिर गया था भाई, तू गिर गया था। सेकंड बात जय हिंद दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घरों में खैरियत के साथ होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा खास कि आज मैं आपको लेके आ गया हूं एडवेंचर आइसलैंड। अब आप मुझसे पूछोगे कि आप यहां पे क्यों आए हो, तो भाई यहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। क्या क्या होती हैं मैं आपको दिखाऊँगा अंदर चलने के बाद। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो आ सकते हो। जो उसका है नियरेस्ट मेट्रो वो है आपका रिठाला। रिठाला पर आने के बाद 10-10 रुपये का आप लेगा रक्षे वाला, वहाँ से आप आराम से आ सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे बाय वॉक भी आ सकते हो। आपको अप्रोक 600-700 मीटर चलना पड़ेगा, यहाँ पे आप 10 मिनट में आराम से आ जाओगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो बाय पार्किंग से, पार्किंग से भी आ सकते हो। पार्किंग का जो टिकट है टू व्हीलर का वो है आपका 30 रुपये का। आपके पास कार है तो आप चलेंगे 50 रुपये। अब चलते हैं हम आप इसके अंदर। बाकी ये है इसकी टिकट प्राइस। जो एडल्ट हैं वो 500 रुपये, बच्चों के 400 रुपये। अगर आप आते हो वीकेंड पे या फिर सैटरडे संडे में तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। हमने तो अभी जो पे किए हैं वो किए हैं 500 रुपये हमारे भाई रिजवान के साथ। ये रहा सबूत, एविडेंस है। अब हम चलते हैं अपने आगे की ओर। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो ये स्नो सिटी है ना, ये आपका एडवेंचर आइसलैंड में ओपन हुआ है। इसके अलावा ये आपका GIP मॉल वहाँ पर भी है, आपका वेनिस मॉल वहाँ पर भी है, मतलब बहुत सारे जगहों पे अवेलेबल है, तो आप कहीं भी जा सकते हो। लेकिन यहाँ वाला जो स्नोफॉल है ना, इसकी एक खासियत ये है कि इसका जो टिकट वो थोड़ा सस्ता है, मतलब कि मात्र 500 रुपये का टिकट है। अगर हम बात करें मॉल की, कहीं पर भी 1000 रुपये से कम नहीं है। बाकी यहाँ पे मिलेगी कॉस्ट्यूम और शूज़ मिल जाएंगे आपको, मतलब कि सब कुछ टिकट में इंक्लूडेड होगा। अभी हम इसको ले के इसको पहन के देखते हैं। भाई साहब ये इसकी एंट्री है। देख सकते हो, लिंक डाल लूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। भाई आना मजा भाई, जान पूछ के रखा उन्होंने वो, जान पूछ के गिर, हर बार गिरेगा बंदा, हर बंदा गिरेगा। तो मैं बहुत सही तरीके से आया था मैं, अच्छा क्यों गिर ना जाऊं। लेकिन मैंने किया हुआ ऐसे, मैं भी गिर गया दोनों भाई गिर गए हैं। दे ताली। इसके अलावा ये है यहाँ पे कि काफी बढ़िया है देखो। ओ भाई साहब आप नीचे थोड़ा नीचे हो, किसी को लाओ। भाई यही यहाँ का सीन है। अभी अब तो आपको और दिखाते हैं आगे क्या है। इसके अलावा मैं आपको बतला दूँ, यहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो आपका 10 डिग्री है। भाई साहब ये ठंडा हो रहा है भाई। आ जाओ आ जाओ, भाई आ जा गिर गिर। हालांकि बहुत ठंड है यहाँ पे, लेकिन मजा भी है।
के इतना बड़ा ये याद दे दो नहीं बड़ा है भाई का जूता ये रहा गेरा वाला भाई राजा और ये चैलेंज है बिना गिरे बिना गिरे क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे फिसलन है स्लिप और ये 1 2 3 और ये हाफ 50-50 गिरे भी नहीं गिरे कैसा लगा यहाँ को भाई आपको आने में भाई काफी बढ़िया जगह है आना चाहिए क्या रिव्यू दे पाओगे आप अपने ऑडियंस के लिए तो भाई जमाना बहुत महंगा चल रहा है अगर आप किसी मॉल में जाते हो ना तो वो आपसे इसी चीज़ के 1000-1500 ले लेगा लेकिन आप ध्यान में सकते हो मात्र 500 रुपये में तो उस हिसाब से इस चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है तो आप कितने मार्क्स देना चाहोगे आउट ऑफ 10 10 out of 7 देना चाहूँगा रीजन इसका ये है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि मतलब वो नहीं है मतलब जिसको बड़ा यूज़ नहीं कर सकते ओके फॉर एग्जाम्पल सबको आपका बेस्ट लगे सबसे अच्छा बेस्ट क्या लगा बेस्ट तो ये है कि यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा कम हैं ओके मतलब अगर बाहर जा रहे हैं तो लोग बहुत होंगे मतलब फैमिली के लिए कैसा कहना चाहोगे फैमिली के लिए बेस्ट है 400 रुपये टिकट बच्चों का है 500 बड़ों का है बढ़िया जगह है वीकेंड का किस तरीके से वीकेंड वगैरह वीकेंड का 600 रुपये का बड़ों का और बच्चों का 500 रुपये का ओके ये सीख रहे हैं तो सबसे अच्छी बात क्या नहीं लगी मतलब बुरी बात क्या लगी यहाँ पर बुरी बात ये देखिए यहाँ पे नहीं एक्टिविटीज कम है ठीक है मतलब एक ही एक्टिविटी है जब भी देखी थी हम आए थे ऊपर से स्लाइड होते हुए तो वही एक ही एक्टिविटी है उसके अलावा यहाँ पे और एक्टिविटी है बहुत ही ज़्यादा कम है ओके तो काफ़ी अच्छा मुझे भाई बोला भी नहीं आ रहा है ठंडा हो गया एकदम हाथ ठंडे हो गए एकदम ओके पेट ठंडे हो गए एकदम पैर ठंडे हो गए आपके बोल है डाउन हो करके अगर यहाँ पे आते हो ना तो मैं इधर लोअर पहन के आता कम से कम जींस पहन के नहीं आना बाहर बाकी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एक्सपीरियंस तो भाई रिजवान कैसा लगा अच्छा रहा बहुत अच्छा रहा अच्छा रहा उम्मीद से अच्छा रहा अच्छा मतलब फुल पैसा वसूल किया हाँ पैसा वसूल कह सकते हैं बाकी ठीक है प्राइस भी ज़्यादा नहीं है मतलब ठीक है इतना इतना तो आपको पे करना ही पड़ेंगे अगर आप यहीं पर आते भी हो अब हम चलते हैं बाहर तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर हाँ तो आप मेरे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब और मार सकते हो इस वीडियो को लाइक तो मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें जय हिंद।